हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो बताइएगा कमेंट करके। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि मुझे व्यू बिल्कुल भी नहीं आते हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो और मुझे आगे बढ़ाओ। अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे आप लोग आगे बढ़ाइए, कमेंट ज़रूर करिए। अच्छी लगे तो, अगर कुछ बुरी लगे तो भी कमेंट करिए, बहुत ज़रूरी है। और अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और ऐसे मैं बैठी हुई हूँ। दोपहर का समय हो रहा है तो ऐसे बैठी हुई हूँ और कनक भी यही है। देखो कनक क्या कर रही है, ये देखिए कनक। अभी बाल बनाएंगे हम कनक के। कनक का बाल एकदम रफ हो गया है तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोग से थोड़ा बात कर लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। जो तीज के दिन मैंने वीडियो शूट किया था वही वीडियो मैंने एक डाला हुआ था, और एक फ़ोटो की वीडियो थी वो मैंने बना कर डाल दी थी, बट मैंने वीडियो शूट नहीं किया है। आज शाम को हम लोग कुछ डिश बनाएंगे तो उसका वीडियो ज़रूर शूट करेंगे। और कनक का देखो कैसे भूतनी बनी हुई है, भाग गई उधर। और मैं अभी कनक की बाल बनाऊंगी। मेरी मेहंदी छूट रही है, ये देखो सब, ये सब निकल रही है, पूरा रफ हो गया है। इस हाथ की भी निकल रही है, इस हाथ की भी निकल रही है, ये देख लो आप लोग, निकल रही है मेहंदी। और बनाऊंगी अभी कनक की बाल। और अभी कनक की बाल बना रही हूँ, क्योंकि इसकी बाल बहुत रफ हो चुकी थी तो मैंने इसकी बाल थोड़ी सी कट कर दी है नीचे से। तो अभी इतनी छोटी सी ही बाल है क्योंकि ये फंस चुका है। इसकी बाल बहुत नीचे से रफ हो गई थी तो मैंने काट दिया है। अभी मैं इसको, क्योंकि कनक अभी बनाएगी, ये कौन सी वीडियो बनाती हो, स्नैक वीडियो, तो इससे वीडियो बनाती है तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना भी कर लेती हूँ ब्लॉगिंग और तुम्हारा भी बाल बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैं कनक को अभी बनाऊँगी ऐसे सिंपल स्टाइल बाल, कि इसका भी वीडियो का काम हो जाए। चलो इधर घूमो, ये इधर से थोड़ा हम निकाल लेते हैं बाल को इस तरीके से। थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि इसका बाल बहुत ही छोटा है ना। इस तरीके से आप लोग भी बाल बना सकते हैं ना, बड़े लोग भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से बाल। ऐसे करो, ऊपर करो ऐसे, इस तरीके से इस तरीके से मैंने कर दिया है इधर। तो ये देखिए मैंने यहाँ एक क्लिप लगा दी है कनक को, यहाँ इसको मोड़ के, और सेम इधर से भी ऐसे ही मैं बना लेती हूँ पहले इधर से। इसको पकड़ो, इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ। चलो इधर देखो, ये बाल ऊपर करो, ये देखो आप लोगों ने कनक के लिए कितने खरीदने पड़ते हैं पूरे पत्ते ही, क्योंकि दो चार दिन में सारे गायब हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। एक बार इसके बाल में ये लग गया फिर आपको दोबारा वो मिल नहीं सकता है, तो जिस वजह से मैं पूरा पत्ता ही ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक पत्ता अगर ले लूँगी तो वो एक महीने भी नहीं टिकेंगे क्योंकि वो गायब हो जाते हैं। अब ऐसे रहो ना सीधा,
इस तरीके से। अब यहाँ आगे का पोर्शन ले लेते हैं, ये जो बची हुई है उसे ले लेंगे। देखिए इस तरीके से, और इसका स्टाइलिश बाल मैं बांध दूंगी। यस, अब इसे घुमाएंगे, देखिए ऐसे घूम। लाओ इस क्लिप को निकालो बेटा। और ये देखिए, ये आगे से मैंने सोचा कि यहाँ पॉप खुला दूंगी, लेकिन इस तरह से अच्छे से नहीं होती है, तो आप लोग इस तरीके से मैं कर देती हूँ। ये देखो आप लोग, कंघी से इस तरीके से कर लेने से ये अच्छे से खुल जाती है। ये देखो आप लोग कितनी अच्छे से ये हो गई है। हालांकि कनक के बाल बहुत छोटे हैं, और क्लिप लगा दूंगी मैं और ना। एक और दे दो। चलो देखें, इसके बाल छोटे हैं फिर भी अच्छे से हो गए हैं। और इधर का ये जो क्लिप है, ये जिसे मैंने ऐसे रखा हुआ था, अब इसे भी मैं यहाँ लगा दूँगी दोनों साइड की पकड़ के। लाओ क्लिप लाओ। देखें ये देखो अच्छे से हो गया है। ये देखो मैंने कनक का बाल बना दिया इस तरीके से। और ये पीछे का क्या ऐसे खुला रखना है? गई कनक, बाल बना दिया मैंने उसका, इसलिए वो चली गई है। और गर्मी है, बहुत बहुत गर्मी है। और मेरे बाल भी बहुत आगे के छोटे छोटे हो गए, क्योंकि मैंने पहले एक लेजर कट कटा हुआ था, तो जो थोड़े से बढ़ गए हैं, मैं क्लिप लगाती हूँ इधर तो बढ़ गए हैं। लेकिन फिर मैं गर्मियों में, मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैं गर्मी में इसे नहीं काटती हूँ, ऊपर करके इस तरीके से क्लिप लगा देती हूँ। बस जैसे ही ठंडा आएगा मैं फिर से इतना इतना मैं कटवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है कट। और कनक अभी बनाएगी स्नैक वीडियो। ये देखिए कनक यहाँ पे मेकअप कर रही है। क्या लगा रही हो कनक? फेस पाउडर। फेस पाउडर लगा रही है ये, थोड़ा सा मेकअप करेगी उसके बाद ही वीडियो बनाएगी। तो और क्या लगाओगी? ये देखिए मैं नींबू, बड़े वाले नींबू होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तीज में ये चढ़ते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, डाबा टेंगा ना क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बिहार में उतनी। तो मैं इसीलिए इसे सब निकाल रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो कोई खाएगा नहीं, तो मैं इसे पूरा निकाल लूँगी। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक और थोड़ी सी सरसों की तेल। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, मुझे आगे भी बढ़ाइए, क्योंकि व्यू बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सपोर्ट करना। मेरी वीडियो
ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए और लाइक सब्सक्राइब करिए, हो सके तो आप लोग इसे शेयर करिए ताकि मुझे सब्सक्राइबर मिले। और मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय।